नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 28, जिसमें कुल क्वेश्चन है 30। तो आपको भी साथ के साथ इनके आंसर देना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ना हरियाणा जीके की तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी है और आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगी 2 सेकंड। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो ये कौन सी है? ये है तीनों, आंसर डी, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो ये किस जिले में आता है? ये आता है पंचकुला में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल हैं? तो ये कौन से हैं? ये हैं 16वें। देखो, कप्तान सिंह सोलंकी कौन से राज्यपाल थे? 16वें। लेकिन इस समय करंट में कौन है? ये हैं सत्यदेव नारायण, और कौन से नंबर के हैं? 17वें। ठीक है, और बात करें कप्तान सिंह सोलंकी की, ये कहाँ के बन गए हैं अब राज्यपाल? ये बन गए हैं त्रिपुरा के। याद रखनी है आपको ये बात, एग्जाम में 99% पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 सितंबर 1887 में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत क्या है? ज्योति सरोवर, क्योंकि ज्योति सरोवर है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, अंबाला में नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला अंब स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे है? ये है पानीपत में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? तो ये किसने निकाला था? ये निकाला था RS बिष्ट ने, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मेसोजोइक काल में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये किस क्षेत्र में है? ये है मेवात, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा शीत ऋतु, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये कितनी पे है? ये है 700 से 900 फीट, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है दोमट मिट्टी, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? ये है यमुना, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रदेश के फरुखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? तो ये कौन सी है? ये है सुल्तानपुर झील, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो ये कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा की सबसे प्राचीन प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? तो ये कितना रहता है? ये रहता है 12 डिग्री सेल्सियस, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा?
उत्तरी पूर्वी भाग, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, तो ये कौन कौन सी हैं? ये है साहिबी और इंदौरी, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कौन सी निकलती है? ये निकलती है इंदौरी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो इनमें से कौन थे? वो थी सन्नू देवी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? तो ये कौन सा मिलता है? ये मिलता है चूना पत्थर, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा के खालिस्तान भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी भाग, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा झज्जर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अर्जुन आयन, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? तो इसका आंसर क्या आएगा? हर्षचरित, आंसर ए। और अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बुक फ्री में चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सी बुक चाहिए। हम जल्द से जल्द उस बुक की पीडीएफ फाइल आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे। और अगर आप एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का हो, या लैब अटेंडेंट का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो एचएसएससी से रिलेटेड है, उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।